हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर थर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और ये देखा था कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म बनता कैसा है या स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पर्म का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्म का स्ट्रक्चर फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म का स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में? फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया हेड। ये पोर्शन हो गया नेक। ये हो गया मिडिल पीस। एंड ये पोर्शन हो गया टेल। ये हेड, ये पोर्शन जो है वो नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये आपका स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हम हेड देखते हैं। तो हेड में क्या क्या होता है? अपर पार्ट पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम।
जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम फिल्ड होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम के आउटर लेयर्स को मेल्ट करने के या डिसइंटीग्रेट करने के काम में आता है। तो ये क्या है? एक्रोसोम। फिर ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या फिल्ड रहता है? साइटोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है? क्रोमेटिन मटेरियल, ये आपका हो गया हेड। हेड में दो चीजें हमने देखी, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। फिर बात करें नेक की, तो ये आपका नेक पार्ट है, ठीक है? उसके बाद नेक पार्ट कुछ मिडिल पीस के किसमें हेल्प करता है? फॉर्मेशन में। तो ये नेक पार्ट है, इसका कोई इतना ज्यादा वर्क नहीं है। फिर ये आप क्या है? मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म की मोबिलिटी जो है, मोटिलिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी जो स्पर्म मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट में एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूरा क्या है? मिडिल पीस। और ये लास्ट पार्ट क्या है आपका? टेल। ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है सबको? ये पूरा आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से देख लेते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अगर नेक को नहीं हटाएं तो थ्री पीस में भी इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। नेक को हटा के हेड, मिडिल पीस और टेल, ठीक है? तो हेड पार्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम अपर कैपलाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अपर साइड पे होता है, जो किसमें हेल्प करता है? एंजाइम से फिल्ड होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल फिल्ड होता है, साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। फिर मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और ये टेल पार्ट है जो किसमें हेल्प करती है, आप सब जानते हैं। टेल किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट में। अब स्पर्म के बारे में कुछ और चीजें बताती हूँ मैं आपको। एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है इन वन कोइटस। कोइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक बार के सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक जो मेल ह्यूमन है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज करता है ह्यूमन फीमेल की वजाइना में। और उसमें से 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, बाकी के नॉर्मल नहीं होते, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और उनमें से 40% जो होते हैं वो वाइग्रस मोबिलिटी मोटिलिटी शो करते हैं। वाइग्रस मोटिलिटी शो करते हैं का मीनिंग उनकी जो स्पीड होती है काय के लिए मूवमेंट करके, जो फीमेल है उनकी वेजाइना से मूवमेंट करके कहां पहुंचने में, फैलोपियन ट्यूब में, उनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। वो इजीली फास्ट स्पीड के साथ पहुंच सकते हैं कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि आप सब जानते हैं ओवम कहां रिलीज होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन भी वहीं होता है। तो इस फॉर्म के बारे में कुछ नॉर्मल थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ओजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब ओवम के फॉर्मेशन के लिए जो ओवम मदर सेल होती है उसे क्या कहते हैं? ओगोनिया या फिर ओगोनियल सेल्स। जब एक फीमेल का मदर की वॉम में डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम पे उनमें ये ओगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन, खूब सारी ओगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ओगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इन्हीं ओगोनियल सेल्स ने आगे डेवलप होकर क्या बनाया? प्राइमरी ओसाइट। ये जो प्राइमरी ओसाइट है
ये डिवाइडेशन इसमें स्टार्ट होता है मियोसिस फर्स्ट, और किस स्टेज पर आके रुक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट पे। ये सब बर्थ के बाद, बर्थ के टाइम पे ये सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल में, लेकिन किस जगह पर आकर रुक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट पे। हमने मियोसिस की सारी फेजेस पढ़ी हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट जो है वो बर्थ के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल में, लेकिन वहां पे वो रुक जाता है कब तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट में ये अरेस्टेड हो गया। अब प्राइमरी ऊसाइट ने जो है वो सराउंडेड बाय बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स आउटर साइड पे डेवलप हो गई इस प्राइमरी ऊसाइट की, और उसने क्या बना लिया, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ये कब होगा, ये सब चीजें यहाँ पर ये रुक गया जब प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी एक फीमेल, तब ओवरी में इस प्राइमरी ऊसाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जैसा कि आप लोगों को सबने टेंथ में पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने टाइम का होता है, 28 डेज का। तो जैसे ही एक 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फर्स्ट स्टार्टिंग होती है किसी फीमेल में, तो उसमें एक प्राइमरी ऊसाइट ग्रो करके पहले क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल। अब आगे क्या करेगा ये प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर थिका, और खूब सारे ग्रेनुलोसा सेल्स इसके आउटर साइड पे कलेक्ट होगी और एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी, जिसे क्या कहेंगे, थिका, जिसे कि क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये टर्शियरी फॉलिकल जो बना है, इसके बनने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं हम। ये जो लेयर है थिका लेयर, ये डिवाइडेड हो गई टू में, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना, यानी इसने और ग्रोथ कर ली, और ये जो लेयर है वो टू लेयर्स में डिवाइडेड हो गई, आउटर क्या है थिका एक्सटर्नल, और इंटरनल क्या है थिका इंटरनल, दो लेयर्स में डिवाइड हो गई, और इंटरनल साइड पे कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है जिसे क्या कहेंगे, एंट्रम। एक इंटरनल साइड पे कौन सी कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, एंट्रम। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बन गया। अब ये आउटर साइड पे क्या है, टर्शियरी फॉलिकल, लेकिन इंटरनल साइड पे क्या है, प्राइमरी ऊसाइट। आउटर मतलब इसको टोटल मिला के तो हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी फॉलिकल, लेकिन इंटरनल साइड पे जो डिवाइडेशन है, यानी मियोसिस फर्स्ट है, उसने क्या बना रखा है अभी तक, प्राइमरी ऊसाइट, यानी जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट होगा और इंटरनल साइड पे जो प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है, वो ऊसाइट डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा यहां से, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, यहां पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी ऊसाइट के साथ और क्या बना, पोलर बॉडी। ये अनइक्वल डिवाइडेशन होता है, यानी एक सेल सेकेंडरी ऊसाइट की इतनी बड़ी बनती है तो एक पोलर बॉडी छोटी सी बनती है, और बाद में ये भी क्या हो जाती है, डीजनरेट। ठीक है, तो क्या बन गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होकर सेकेंडरी ऊसाइट। अब ये ही सेकेंडरी ऊसाइट आगे जाकर के क्या करेगा, इस सेकेंडरी ऊसाइट में और डेवलपमेंट होता है आगे, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, पहले एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, फिर एक और, यानी दो लेयर बनती है बेसिकली इस सेकेंडरी ऊसाइट के आउटर साइड पे, कौन कौन सी, जोना पेल्यूसिडा
एंड कोरोना रेडिएटर, ये दो लेयर्स का ये सेकेंडरी ओसाइट अपने आउटर साइड पे फॉर्मेशन कर लेता है और बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल्स का भी फॉर्मेशन कर लेता है और क्या बना लेता है, ग्रेफियन फॉलिकल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमने 10th में पढ़ा होगा, वैसे अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो वापस से पढ़ेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14th डे जो है वो ये सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है। अब तक ओवम नहीं बना है, क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी ओसाइट। फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल है, आउटर साइड पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है वो है ग्रेफियन फॉलिकल और उसके मिड में जो है क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ओसाइट। यही सेकेंडरी ओसाइट जो है वो 14th डे रिलीज हो जाता है, किससे, ओवरी से, जिस प्रोसीजर को हम आगे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अभी मैं आपको ये सारा डायग्राम बना के बताऊंगी। ओव्यूलेशन हो जाता है और ये जो सेकेंडरी ओसाइट यहां बना था डिवाइडेशन से, मियोसिस फर्स्ट से, वो कहां रिलीज हो जाता है, आपका फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब डायग्राम से देखते हैं ये पूरा प्रोसीजर। यहाँ पे आपकी जो आर्टरी और वेन्स होती है वो है ब्लड वेसल्स, ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका क्या है, प्राइमरी, ये आपका है प्राइमरी ओसाइट। फिर प्राइमरी ओसाइट ने आउटर साइड पे लेयर बनाई और क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट। यह है प्राइमरी फॉलिकल। फिर हम जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। जिसने ये लेयर बन गई, थीका। ठीक है, ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, जिसके अंदर इंटरनल लेयर हो गई, ठीक है इंटरनल, ठीक है एक्सटर्नल, और क्या बन गया, टर्शियरी फॉलिकल। फिर क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद में आगे क्या बनेगा, यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा, अंदर के साइड पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। ये आपकी अंदर वाली जो लेयर है वो है जोना पेलुसिटा, ये है कोरोना रेडिएटा और ये बन गया सेकेंडरी ओसाइट। और इसके आउटर साइड पे लेयर्स बन गई है ग्रेनुलोसा सेल्स की। और ये क्या हो गया, आपका ग्रेफियन फॉलिकल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पे क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर रिलीज हो जाएगा, ये आप सेकेंडरी ओसाइट बाहर रिलीज हो गया, या फिर इसे ओवम अभी आगे मैं बताऊंगी कब कहेंगे, अभी फिलहाल ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया और यहां पे ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है इन्होंने क्या बना लिया, कॉर्पस। क्या बना लिया, कॉर्पस ल्यूटियम।
फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर के कॉर्पस एल्बिगंस बनाता है और कॉर्पस एल्बिगंस डिसइंटीग्रेट हो जाता है वापस और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेक्स्ट मंथ एक फीमेल में वापस से स्टार्ट होता है, यानी वापस से प्राइमरी जो ऊ साइट है वो वापस से ग्रो करता है और ऐसे ही सेम प्रोसीजर वापस से ओवरी में हर मंथ एक फीमेल की ऑपरेट होता है। फिर से देखते हैं अपन क्या हुआ, प्राइमरी ऊ साइट प्राइमरी फॉलिकल बनाया आउटर साइड पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है उसे कलेक्ट करके, फिर प्राइमरी फॉलिकल से और ग्रेनुलोसा सेल्स कलेक्ट हुई और क्या बन गई एक थिका लेयर, क्या बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें अंदर की साइड पे सेकेंडरी ऊ साइट बन गया, यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ, यहाँ हुआ ये प्राइमरी ऊ साइट था, यहाँ हुआ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। जो मियोसिस फर्स्ट एक फीमेल में बर्थ के टाइम पे स्टार्ट हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था वो यहां कंप्लीट हुआ है और अंदर क्या बन गया ये देखो सेकेंडरी ऊ साइट, और इस स्ट्रक्चर को पूरे को हम क्या बोल रहे हैं ग्रेफियन फॉलिकल। फिर सेकेंडरी ऊ साइट जो है वो ओवरी से रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में और आगे क्या बन गया इस ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से कॉर्पस ल्यूटियम और फिर कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकंस और फिर नेक्स्ट टाइम पे साइकिल वापस से स्टार्ट होगा। कल हमने जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस का देखा था डायग्राम वैसे हम ऊजेनेसिस का डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। सिर्फ सेल्स का डिवाइडेशन, ये आपकी ऊगोनियल सेल्स है, ठीक है, फिर इनमें से ही ऊगोनियल सेल्स में से एक क्या है प्राइमरी ऊ साइट, जिसने यहां बनाया बाद में सेकेंडरी ऊ साइट और एक पोलर बॉडी, ये क्या है सेकेंडरी ऊ साइट ये सारा प्रोसीजर ये यहां पे ये अरेस्ट हो गया मियोसिस जो डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ था ये सारा प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो गया, फिर बाद में प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ ये बर्थ प्यूबर्टी ये पूरा साइकिल, फिर प्यूबर्टी स्टेज पे मैंने आपको अभी बताया मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के बाद ये डिवाइडेशन होता है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट ठीक है और क्या बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी, फिर ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है ये रिलीज हो जाता है ये क्या हो गया ओव्यूलेशन, सेकेंडरी ऊ साइट रिलीज हो गया ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद ये सेकेंडरी ऊ साइट वापस से डिवाइड करता है कब अगर हम डायग्राम देखें तो ये सेकेंडरी ऊसाइट का डायग्राम है, ये क्या है जोना पेल्यूसिडा और ये आउटर लेयर क्या है कोरोना रेडिएटर। सेकेंडरी ऊसाइट फीमेल के ओवरी से रिलीज हुआ, जैसे ही इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा स्पर्म आकर के जैसे ही इस जोना पेल्यूसिडा लेयर में एंटर करेंगे ये जोना पेल्यूसिडा लेयर में एंटर करा स्पर्म ने, जैसे ही एंटर करेंगे ये अंदर प्रेजेंट सेकेंडरी ऊसाइट डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के क्या बनाएगा ओवम एंड एक वापस से क्या बनाएगी पोलर बॉडी।
ठीक है, वो वापस से अनइक्वल डिवाइडेशन होगा और एक साइड क्या बनेगा ओवम और एक साइड क्या बनेगी पोलर बॉडी जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और फिर ये स्पर्म ओवम बनने के बाद उससे फर्टिलाइज होकर के क्या बनाएगा जायगोट। यानी ओवम हम कब कहेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन जो हर मंथ फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे रिलीज होता है वो ओवम नहीं होकर के क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।